हेलो दोस्तों, कल को बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट हुआ है, लेकिन दोस्तों गिरावट होने के बावजूद ऐसे कुछ शेयर हैं जो आपको शुभ संकेत दे सकते हैं खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे दो स्टॉक को चूज़ किया है। सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, चाइना में जितना भी परेशानी हो रहा है, लेकिन कभी कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ बुरा हो जाने से किसी के लिए अच्छा भी हो जाता है। तो अगर ऐसा चाइना में ज़्यादा परेशानी बढ़ती है तो दोस्तों इंडिया में स्टील सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका मुनाफा देखा जाएगा। ठीक है, तो वो दो कंपनी है, उस कंपनी का नाम लेने से और बताने से पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहला कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है दोस्तों, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील का जो अभी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 415 रुपीज़ पास चल रहा है, और कल के डेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा गिरावट भी हुआ। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें ऐसे कंपनी को खरीदना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी आपको और भी अपॉर्चुनिटी आते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो ऐसे कंपनी को, टाटा स्टील जैसे कंपनी को। कल का मैं गिरावट भी दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो येस्टरडे का गिरावट आप देख लीजिए, केवल एक दिन का गिरावट यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया दोस्तों। 4:35 से 4:15 तक आ चुका है, और अभी भी ये गिरावट जो है संभला नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे देखिए, अभी ग्लोबल मार्केट का संकेत जो है वो खराब आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा, ऐसे स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई देगी। ठीक है, और अगर हम देखें एक दिन का चार्ट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक दिन में कितना गिरावट हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए, चाहे जो भी है, हाइएस्ट मारा था यहाँ पर देख लीजिए 434 के आसपास जो ये हाईएस्ट मारा था, उसके बाद दोस्तों ये गिरना ही स्टार्ट किया, धीरे धीरे गिरा है, और इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों, उसका नाम है JSW स्टील। इसका देखिए अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 258 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हो। ठीक है, पहला तो था दोस्तों टाटा स्टील, इसमें तो आपको खरीदारी करना, उसके बाद है JSW स्टील। ठीक है, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हो, अभी जो रेट चल रहा है 258 के आसपास भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ज़्यादा नहीं तो आप तो शॉर्ट टर्म के लिए तो खरीदारी कर ही सकते हो, जिसमें आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो खरीदो। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये भी दोस्तों स्टॉक गिरा, लेकिन गिरा उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए दोस्तों बाउंस बैक भी लेना स्टार्ट कर दिया था, ये काफ़ी नीचे तक चला गया था। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, 256 के आसपास चला गया था, 250 के आसपास, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 260 के रेंज में वापस ये आ चुका है। और 1 डे का अगर हम चार्ट देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगा। पहले तो पूरा गिरावट हुआ, जैसे कि टाटा स्टील बैठा, यहाँ पर देख लीजिए 278, ठीक है, 78 से गिरा, मतलब दोस्तों 10 रुपीज़ के आसपास। यहाँ अभी भी आपको जो है 20 रुपीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट था, लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक वी शेप में ये अपने आप को रिकवर करने को कोशिश कर रहा है। ठीक है, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पर देख सकते हो वी शेप में, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि दोस्तों अगर चाइना में कहीं कभी भी अगर मान लीजिए और परेशानी बढ़ती है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह दोस्तों एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। ठीक है, उसी तरह अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसके वजह से कहीं पर एक एडवांटेज भी माना जाता है, उस चीज़ को हमें एक एडवांटेज के जैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो सेक्टर है दोस्तों जिसमें आने वाले दिनों में भी आपको थोड़ी बहुत तेजी रह सकती है। ठीक है, और बाकी सब दोस्तों तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो आज तो मेरे हिसाब से रिकवरी होना चाहिए। फिर भी दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी को खरीद रहे हो तो मैं बोलूँगा पूरा उसके बारे में डेटा देख लो, डिटेल देख लो, फंडामेंटली देख लो, टेक्निकली देख लो, क्योंकि दोस्तों कल के डेट में येस्टरडे जो था, सडनली मार्केट जो है 1000 पॉइंट गिर चुका था दोस्तों। सेंसेक्स निफ्टी भी दोस्तों बहुत अच्छा गिरा था, बहुत ज़्यादा। तो इतना अगर मार्केट गिरावट होगा तो मैंने आपको ये भी दिखाया था कि निफ्टी 50 का पूरा डब्बा गोल था, एक भी ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 0.05% का भी तेजी था दोस्तों, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, 5 पैसे की तेजी भी नहीं थी, सारा डब्बा गोल था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहा करो, सब कॉन्शियस रहा करो, अपना माइंड को भी थोड़ा सा लगाया करो मार्केट में, जिससे आपको सेफ्टी मिले और थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।